Hello everybody, today we will discuss about the Born interpretation of the wave function. Before going to understand the wave function, we have to first understand the sum terms. यहाँ हम आज Born interpretation of wave function के बारे में पढ़ेंगे. उसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम पढ़ना चाहेंगे जिससे कि वो आसानी से समझ आए. जैसे आप देखेंगे यहाँ मैंने बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन है उसे लिखा है, मगर उससे पहले हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर हिसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा. ये क्या कहता है कि साइज ऑफ एटम जो है वो 10^-15 मीटर होता है. तो ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रखा है. सपोज आई एम टेकिंग फॉर हाइड्रोजन एटम और यह न्यूक्लियस है. ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवोल्यूट कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो हम देखेंगे कैसे. हम देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से लाइट डालते हैं, ये इसे टकराती है और यहीं पर हमारा कहीं पे कैमरा होता है जो टकरा करके वापस यहाँ से हमें मिल जाती है इसकी रेस. मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है या सब एटॉमिक पार्टिकल से इतना छोटा होता है कि जैसे ही इसे टकराता है ये जंप करके दूसरा हायर ऑर्डर स्टेट में, यानी कि इसके जो सब शेल हैं, शेल के अंदर जो सब शेल रहते हैं उसमें जंप कर जाता है. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये कहता है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल एट द सेम टाइम. यानी कि जैसे ही आप इसे लाइट से टकराएंगे और यहाँ पर टकरा के ये जो है कैमरा तक आता है, ये कैमरा है, कैमरा तक आएगा तब तक कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा. यानी इसका मोमेंटम आप दिखा नहीं पाएंगे. तो मोमेंटम या पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी. तो ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल को ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लिया है. इसमें बहुत सारे आते हैं जैसे प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, या उन सब के लिए यही कंडीशन फुलफिल होती है. ये न्यूक्लियस यहाँ दिखा रखा मैंने, एटम का साइज है. तो हम ऐसे छोटे पार्टिकल को देख ही नहीं सकते. तो इसको देखने के लिए अगर हम ये करें तो फिर इसके बाद डी ब्रोगली ने एक रिलेशनशिप दिया. जैसे कि अगर जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इट्स नॉट मूव सिंपली, ये पार्टिकल की तरह नहीं होते और वेव की तरह चलते हैं. और इसे लैम्डा यानी उसकी वेवलेंथ एसोसिएट हो जाती है इसकी जो चलता है. जैसे यहाँ साई दिखा रखा मैंने आपको, ऐसे वेव की तरह चलेगा और इससे जो वेव एसोसिएट हो जाएगी उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली वेवलेंथ. जिन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है वो उसकी मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो बना चुका हूँ, वो उसमें दिखें और उसमें अच्छे से पढ़ें. उसके कई सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ मैंने सिर्फ एक ही फार्मूला लिया है. तो यहाँ यह है एच जो है फ्लैंक कॉन्स्टेंट है, एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, वी इज़ द वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है. तो इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है, यानी कि ये वेव के फॉर्म में चलता है. और इसे देखेंगे कैसे, आप अगर देखना चाहेंगे तो और वेव फॉर्म में ये इस तरीके लिखा जाता है. साई ये जो है कुछ बुक्स में साई जो है इक्वलेंट इसके बराबर दिखाते हैं, कुछ में दो बड़ा दिखाते हैं और इस छोटा दिखाते हैं, कई स्टैंडर्ड बुक्स में हाफ यहाँ तक दिखाते हैं, मगर सबका मीनिंग सेम ही है. साई ये दिखा रहा है एक्स वाई जेड और टी, ये टी इन चारों वेरिएबल पर डिपेंड करता है. इसको लिखने का यही तरीका है, साई एक्स वाई जेड ई रेस्ट पर माइनस आइटा ओमेगा टी. ओमेगा इज द वेव एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिससे मूव कर रहा है और टी इज द टाइम. इसको रिप्रेजेंटेशन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं. यहाँ बॉर्न ने क्या बताया, ही अकॉर्डिंग टू द मैक्स बॉर्न द वेव फंक्शन साई इटसेल्फ हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. फिजिकल सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंट, यानी कि उसकी कोई वैल्यू, कोई उसकी महत्वपूर्णता नहीं है साई की. मगर अगर साई स्क्वायर देखें, बट द स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, यानी साई स्क्वायर जब लें वेन इवेलुएट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट कर दें, दिस गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सब एटॉमिक पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट.
यानी कि साई स्क्वायर जो आएगा वो उसका प्रोबेबिलिटी होगा निकाल। प्रोबेबिलिटी मतलब आप ये कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि तुक्का मारना, यानी जो यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल जो मूव कर रहा है, क्योंकि जो तुक्का मारेंगे या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या संभावना है, ये एक बहुत ही छोटे सेट, जैसे मैं यहाँ डॉट लगाया, इस डॉट में ट्रांसफर मतलब इसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, एटम्स, और एटम के अंदर भी क्या होंगे, आपके सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। तो इसी बहुत छोटे साइज में ये एरिया दिखाते हैं कि इस एरिया में प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम अनसेंट्रेटिंग प्रिंसिपल ही बताते हैं कि ये इसमें हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखा सकते, या मोमेंटम एक साथ नहीं बता, या तो मोमेंटम बताएंगे या फिर पोजीशन दिखाएंगे। तो इसीलिए इसके साई की वेव की तरह चलता है, और जब वेव जहाँ मैंने दिखा रखा वेव की तरह चलता है, और इस वेव का कोई खास मीनिंग नहीं है। जैसे मैंने अभी दूसरे पेज पे दिखाया था, यहाँ पर ये इस तरीके लिखा जाता है, मगर इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। मगर साई स्क्वायर जब आप इसका मॉड ले लेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा कि एक पॉइंट पे वहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल मिल सकता है। इस चीज़ को बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन कहा जाता है। और आज के लिए बस इतना ही जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।